अमेरिका में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंचा। ब्राजील में करीब 6 लोगों की कोरोना से मौत। भारत में अब तक मारे गए करीब 4.5 लाख लोग। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद अब सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी बढ़ी। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी प्रति किलो 2.55 रुपए हुआ महंगा। दिल्ली में 2.28 रुपए प्रति किलो बढ़े दाम। चीनी सेना के 38 लड़ाकू विमानों ने ताइवान में किया घुसपैठ। ताइवान का सीमा उल्लंघन का आरोप। चीन ने कहा, सामान्य अभ्यास क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरी। रिलायंस रिटेल वेंचर्स और फ्यूचर्स ग्रुप के बीच होने वाली डील की डेडलाइन फिर बढ़ी। 31 मार्च 2022 तक पूरी होगी डील की प्रक्रिया। अमेरिकी उप विदेश मंत्री बेंजी शर्मन ने अपनी पाकिस्तान यात्रा से पहले कहा, पाकिस्तान को करनी होगी चरमपंथी समूहों पर कार्रवाई। तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम के हथियारबंद समूह ने संघर्ष विराम का ऐलान किया। और आईपीएल के 45वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर कोलकाता ने बनाए थे 165 रन।